काली का मंत्र थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ठीक है, और उसको सही उच्चारण करना चाहिए। तो आपको देखो माँ काली का 24 प्रकार का मंत्र है बेसिक। एडवांस मंत्र में तो सहस्राक्षरी है, शताक्षरी है, 24 अक्षरी है, एकाक्षरी भी है, एक अक्षर का भी मंत्र है, ठीक है, एक बीज मंत्र है एक अक्षर का। तो इसमें आपको जो सहज होगा, आपका मुंह में जो इजीली उच्चारण कर सकते हो, देखो पूजा इज नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं नहीं किया, माँ बोलती है मुझे माँ बोल के बुला ले मैं खुश हूँ, तेरा सब काम कर दूंगी, ठीक है। तो मैं किसी को उलझाना नहीं चाहना चाहता हूँ कि ये मंत्र करने से होगा, ये मंत्र नहीं करने से नहीं होगा। देखो माँ काली एक एनर्जी है, आप उसको, हम लोग माँ के रूप में उसे ध्यान करते हैं, पूजते हैं, क्योंकि बहुत हाइपर एनर्जी है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए माँ का मातृ रूप है इसको दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको कोई भी ऐसा मंत्र देख लीजिए जो इजीली आपके मुंह में घुसता है, क्योंकि आप संस्कृत का तो स्कॉलर नहीं हो कि स्टूडेंट नहीं हो कि मैं आपको संस्कृत का लंबे लंबे मंत्र बता दूं। तो आपके लिए जो सुपर सुइटेबल है, इजी है, आप उस मंत्र को उठाओ, और क्योंकि पहले कोई प्रैक्टिस नहीं है, पहले कोई अनुभव नहीं है, और पहले से इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पहले बार कर रहे हो, जब पहली बार कर रहे हो तो आपको कोई नियम लागू नहीं होता है, धीरे धीरे सीखोगे, अभी तो आपको पूरा सीखना है, शनि का पूरा महादशा है और इसके लिए तो जिंदगी सीखने के लिए पड़ा है। जब सीख लोगे तो माँ बोलेगी अब गलत मत कर, अब सही से कर, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। अभी तो आप बच्चे हो माँ काली के रास्ता में, है कि नहीं, तो डोंट वरी उसके लिए। आपको केवल देखो मैं इधर पूजा करूंगा, आपको उस समय जो बन पड़े जितना सीखते हो, कोई छोटा सा बच्चा गलती कर दे तो उसको माफ है, ठीक है ना, उसको कोई दोष नहीं लगता है। तो कोई नया आदमी आध्यात्मिक जीवन में आता है, माँ के शरण में आता है, नया स्टूडेंट है, तो उसको उसका गलती को कोई नहीं पकड़ता है, ठीक है ना। आप भक्ति भाव से बैठोगे, अपना प्रेयर करोगे, अपने प्रार्थना बताओगे, अपने दुख बताओगे, उसके माँ के नाम पे थोड़ा सा हवन कर दोगे, थोड़ा सा जेगरी का, गुड़ का, या थोड़ा सा धुना दे दोगे, थोड़ा सा प्रसाद लगा दोगे, प्रसाद सबको बांट दोगे, थोड़ा सा सिंदूर चंदन धूप दीप दिखा दोगे, इतना काफ़ी है। और वो जो गाड़ी है ना, जो गाड़ी का बात करते हो, गाड़ी माँ काली स्वरूपा होती है, ठीक है। और इधर ना अभी मतलब हमारे उड़ीसा इंडिया में काली पूजा और दुर्गा पूजा में गाड़ी का पूजा किया जाता है, ठीक है, और ये ट्रक वगैरहों को माँ काली बोल के पूजा करते हैं। अगर माँ काली आपके ऊपर सदै है तो कहाँ से जाएगी, जाएगी ही नहीं काली, गाड़ी जाएगी नहीं, ठीक है। तो उसको अगर थोड़ा सा इसी काली पूजा में रात को थोड़ा सिंदूर लगा देना, चंदन लगा देना, धूप दिखा देना, फूल दे देना, थोड़ा प्रसाद दे देना, उसके सामने प्रेयर करना, गाड़ी का इमोशन बहुत होता है, आपको नहीं पता, उसके ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। इंसान से भी ज़्यादा इमोशन गाड़ी का, प्लेन का, शिप का रहता है। अगर आप उसको गाली देते हो या बेच दूंगा, भगा दूंगा, छोड़ दूंगा, गाड़ी समझ जाती है, गाड़ी समझ जाने से फिर आपको कष्ट देती है, ठीक है। हाँ, उसके जो स्पिरिचुअल पार्टिकल्स हैं, उसका जो इथरिक पार्टिकल्स हैं, उसका जो गॉडली पार्टिकल्स हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये आदमी मेरे को थोड़ा सा द्वेष कर रहा है, मेरे को भगाना चाहता है, तो फिर भागते नहीं हैं वो जल्दी, ठीक है ना। और पॉजिटिव फल देने के जगह में नेगेटिव फल देता है, तो गाड़ी के सामने गाड़ी को गाली नहीं देना, गाड़ी को बेच देंगे नहीं बोलना, गाड़ी को हटा देंगे नहीं बोलना। गाड़ी का जिंदगी के साथ इतना संपर्क है, इतना रिलेशन है कि इंसान का भी नहीं है, ठीक है। इफ़ यू लव दैट गाड़ी, यू किस द गाड़ी, यू हग द गाड़ी एंड यू गिव हिम, गिव द गाड़ी लव, देन देखना वही गाड़ी आपके लिए बिजनेस टान के लाएगा और आपको बेनिफिट देगा और प्रॉफिट देगा। करके देखो, मैं जिंदगी में 56 गाड़ी चला चुका हूँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर मिला के, ठीक है ना। तो गाड़ी का इमोशन मैं समझता हूँ। अच्छी अच्छी जगह में फंसे रहोगे, थोड़ा सा प्यार कर दो, गाड़ी निकाल के ले आएगा। गाड़ी का इट्सेल्फ पे एनर्जी है, गाड़ी इसी इसी सिस्टम पे बना हुआ है।